टाटा नेक्सॉन ईवी जो कि देश की नंबर वन इलेक्ट्रिक कार है और विदेश में भी इस कार के जय जयकार होती रहती है क्योंकि इस कार ने अनगिनत रिकॉर्ड्स अपने नाम पर दर्ज कर लिए। लेकिन इस बार इस कार को जैसे नज़र ही लग गई। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वीडियो में एक टाटा नेक्सॉन ईवी जल रही है, उसके अंदर आग लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टाटा नेक्सॉन ईवी में आग लगने की घटना मुंबई में घटी है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेली बताता हूँ जो हमें पता चला है इस घटना के बाद। तो दोस्तों, सबसे पहले मुंबई में इस कार के ओनर अपने ऑफिस में एक स्लो चार्जर से इस कार को चार्ज करते हैं और अपना काम होने के बाद ये ऑफिस से अपने घर के लिए निकलते हैं। तो वो कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद उनकी कार उनको एक नोटिफिकेशन बार बार स्क्रीन पे दिखाती है कि कार में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो अपनी कार में से उतरते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो उनको अपनी कार की बैक साइड से धुआं निकलते हुए दिखता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और देखते ही देखते वो कुछ करने से पहले ही वो धुआं आग में तब्दील हो जाता है और वो आग छोटी सी चिंगारी से लेके बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। बहुत से लोग उसे कोशिश करते हैं बुझाने की, लेकिन वो आग बुझ नहीं पाती कि और ये कार पूरी तरह से जल जाती है। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं सिर्फ इस टाटा नेक्सॉन ईवी का सामने का हिस्सा ही थोड़ा सा बचा है, बाकी ये कार पूरी तरह से जल गई है, ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि हमें इस वीडियो में और इन पिक्चर्स में ये दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। लेकिन इस घटना होने के बाद ही टाटा वालों ने इसके ऊपर एक्शन लिया और ट्वीट किया कि इसके ऊपर हम बहुत डिटेलली चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें आग कैसे लगी और इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं और उसी के बाद हम एक्शन लेंगे। तो लेकिन ये घटना होने के बाद जो कार के ओनर है उनको तो बहुत बड़ा झटका लगेगा क्योंकि टाटा नेक्सॉन ईवी की कॉस्ट जो है वो 15 से लेके 18 लाख के बीच में होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगी भी होती है लेकिन अच्छी होती है। तो टाटा वाले इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय इस कार के बारे में और इस घटना के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।